प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग पैटर्न प्रिंट करके आपको दिखाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर मान लो हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं str वेरिएबल, इसमें हम स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे इंडिया, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग है जो हमने str वेरिएबल में इनपुट किया, तो ये इंडिया हमारा ट्रायंगुलर शेप में पैटर्न के फॉर्म में इस तरह से प्रिंट होगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप जो भी स्ट्रिंग इनपुट लेंगे वही स्ट्रिंग इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। तो बस यही सिंपल सा प्रोग्राम होगा हमारा। तो ये प्रोग्राम हम बनाएंगे कैसे, चलिए हम लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नेस्टेड फॉर लूप हमारे पास होना ही चाहिए क्योंकि हम ट्रायंगुलर शेप में पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास दो फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, इसी को बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो दो फॉर लूप के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल आई और जे बना लेते हैं, और यहाँ पे एक हम लेंथ नाम का एलियन वेरिएबल बना रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताऊँगा क्यों। अभी हमें नहीं पता है कि हमारा ये फॉर लूप हमें कहाँ तक चलाना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा हम उसका लेंथ फाइंड कर लेंगे, उसके बाद वहीं तक हमारा ये लूप चलना चाहिए, तभी तो वहीं तक हमारा लास्ट कैरेक्टर तक ये पैटर्न प्रिंट होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले str alien फंक्शन की मदद से, ठीक है, str alien फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ये इंडिया स्ट्रिंग है वो str वेरिएबल में स्टोर है, तो इस str वेरिएबल को हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे स्ट्रिंग का टोटल लेंथ जो भी होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो उसको हम स्टोर कर देते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है alien, तो स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पे alien वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपना ये फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। इसकी वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, जीरो। ये जो कैरेक्टर आपको आई दिख रहा है ना, इसका पोजीशन है जीरो, इसका वन टू थ्री, आई का थ्री और ए का फोर, ठीक है। जीरो से फोर में फाइव कैरेक्टर आ गए। तो अभी ये कहाँ तक लूप जाना चाहिए, ये लूप जाना चाहिए आई लेस देन एली एन तक। लेस देन इसलिए क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा, इसीलिए एक कम तक जाएगा, उसके बाद आई प्लस प्लस। तो ये वाला जो लूप है ना, ये हमें ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रोज में हमारा ये पैटर्न प्रिंट होगा। जे वाले लूप में चलते हैं, जे की वैल्यू भी जीरो से स्टार्ट करेंगे। जे लेस देन इक्वल हमें आई तक ले जाना होगा, तभी हमारा ट्रायंगुलर शेप में प्रिंट होगा पैटर्न। जे प्लस प्लस ये वाला लूप बताएगा अंदर का लूप कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में हमारा ये पैटर्न प्रिंट होगा। अगर दोनों लूप का कंडीशन सेम टाइम में ट्रू होगा, तब इस अंदर वाले बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, अंदर वाले लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे परसेंट सी, क्योंकि हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है, इसी स्ट्रिंग का कैरेक्टर प्रिंट करना है, इसीलिए परसेंट सी कॉमा। हमारा स्ट्रिंग किस वेरिएबल में है, str वेरिएबल में है, तो str उसके बाद यहाँ पे j को प्रिंट करेंगे। j वेरिएबल ही हमारा इस इंडिया स्ट्रिंग को उस फॉर्म में प्रिंट कराएगा जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ठीक है। अभी इस इनर वाले लूप के बाहर एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम न्यू लाइन का, ये लाइन ब्रेक करेगा क्योंकि हमें फाइव रोज में चाहिए, तो लाइन ब्रेक होना चाहिए, तभी तो एक रो से दूसरे रो में हम जंप कर पाएंगे। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे जो str alien फंक्शन हम यूज़ किए हैं, ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है, तो सबसे पहले हम उसे भी क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं स्ट्रिंग डॉट एच। एक एक लाइन ड्राई रन करके समझाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। करते हैं प्रोग्राम को रन। तो अभी आप देखना सेम वही स्ट्रिंग पैटर्न प्रिंट होगा जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। वेट कर लेते हैं, देखो सबसे पहले आई प्रिंट हुआ है, उसके बाद आई एन, आई एन डी, आई एन डी आई, उसके बाद आई एन डी आई ए इंडिया। तो इसका लास्ट पॉइंट ए इसलिए बता रहा है क्योंकि हम स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर लिए हैं, और जितना स्ट्रिंग का लेंथ है वहीं तक हमारा ये फॉर लूप चलेगा, उसी वजह से ये केवल इंडिया तक ही चला। आई स्टार्टिंग पॉइंट था, ए एंडिंग पॉइंट था। आप जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट दोगे ना, वही स्ट्रिंग इस पैटर्न के फॉर्म में प्रिंट होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक और नेम इनपुट कर दे, वो क्या होगा, विराट। तो यहाँ पे देखना अभी विराट भी सेम उसी पैटर्न फॉर्म में प्रिंट होगा। करते हैं प्रोग्राम को रन। अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, पहले वी प्रिंट हुआ, फिर वी आई,
VIRVIRAVIRAT विराट। तो आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिंग राम इनपुट कर देते हैं, इसको करते हैं रन। तो अभी ये छोटा सा स्ट्रिंग है तो छोटा सा ही प्रिंट हो जाएगा, RRARAM। तो ये प्रिंट कैसे हो रहा, चलिए हम एक एक लाइन आपको ड्राई रन करके समझा देते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है राम। तो इस राम में टोटल कितने कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, RAM। तो इस R का पोजीशन क्या है, 0, A का पोजीशन है 1 और M का पोजीशन है 2। स्ट्रिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसीलिए R का पोजीशन 0, A का 1, M का 2। उसके बाद IJ वेरिएबल लूप में हम यूज़ करेंगे, L वेरिएबल का यूज़ करके हम स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो strlen स्ट्रिंग फंक्शन में अगर हम इस str वेरिएबल को पास कर दें तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करके इस L में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ कितना निकलेगा राम का, 0, 1, 2, टोटल कितने कैरेक्टर है, 3। इसका मतलब स्ट्रिंग का लेंथ 3 निकला तो L का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। अभी हम अपने लूप में आते हैं, लूप की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में I का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं I = 0। कंडीशन क्या है, I < L, तो I का वैल्यू 0 है और L का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 0 < 3। ये कंडीशन ट्रू है, जब ये कंडीशन ट्रू है तो हम इनर वाले लूप में आएंगे, यहाँ पे J वाले में, J का वैल्यू यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट हो रहा, तो इसको भी लिख देते हैं J = 0। कंडीशन है J < I, जे का वैल्यू 0, आई का वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे कंडीशन होगा क्या, 0 > 0 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू तो हम स्ट्रिंग ऑफ जे को प्रिंट कर रहे, तो जे का वैल्यू क्या है, 0, यानी str0 में कौन सा कैरेक्टर है। तो आप यहाँ हमारे स्ट्रिंग में देखो, ऊपर str0 में कैरेक्टर है R, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे strj को हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो क्या प्रिंट करके देगा, R प्रिंट करके देगा, क्योंकि हम %c यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, वो नंबर को क्या करेगा, 0 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करके देगा। उसके बाद j का वैल्यू बढ़ा, ये हो गया 1। कंडीशन हम देखेंगे j < i में j का वैल्यू अभी 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या 1 > 0 है, क्योंकि i का वैल्यू अभी भी 0 है, तो ये कंडीशन देखो यहाँ पे फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, हमारा ये इनर वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अभी ये सिलेक्शन वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो हमारा कंट्रोल यहाँ से हट के न्यू लाइन में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी चलते हैं हम अपने आउटर लूप में, यहाँ पे i का वैल्यू बढ़ेगा, सबसे पहले ये हो जाएगा 1। कंडीशन है i < L, तो i का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या 1 > 3 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू, फिर हम J वाले लूप में आएंगे, J का वैल्यू 0 होगा, फिर से यहाँ पे J का वैल्यू 0, J < i है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 > 1, क्योंकि i का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है फिर क्या होगा, हम strj को प्रिंट कर रहे, तो J का वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो str0 में कौन सा कैरेक्टर है, आप हमारे स्ट्रिंग में देखो, str0 पोजीशन पे हमारा R कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे सबसे पहले R प्रिंट होगा। उसके बाद प्रिंट होने के बाद J का वैल्यू बढ़ गया, ये हो गया 1। अभी कंडीशन हम क्या देंगे, हमारा कंडीशन होगा क्या 1 > 1 है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू भी, I का वैल्यू भी, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो अभी हम strj को प्रिंट करेंगे, तो J का वैल्यू 1 है, तो str1 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, आप हमारे स्ट्रिंग में यहाँ पे देखो, str1 पोजीशन पे हमारा ये A है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अभी हमारा A प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट होने के बाद J का वैल्यू बढ़ा, ये हो गया 2। हम कंडीशन देखेंगे J < i में, क्या 2 > 1 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, ये वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अभी ये सिलेक्शन का स्टेटमेंट चलेगा जो कि i वाले लूप का पार्ट है, तो हमारा कंट्रोल यहाँ से हट के यहाँ पे आ चुका है। चलते हैं आउटर लूप i में, i का वैल्यू बढ़ेगा, i++ से ये हो गया 2। कंडीशन क्या होगा, इसको काट देते हैं, i < L है, i का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 2 > 3 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है, हम J वाले लूप में आएंगे, J का वैल्यू फिर से क्या है, 0 है, यहाँ पे अभी 0 से स्टार्ट होगा J का वैल्यू फिर से,
तो यहाँ पे लिखेंगे जे इक्वल जीरो, ठीक है, जे का वैल्यू फिर जीरो है। कंडीशन है जे लेस देन इक्वल आई, जे का वैल्यू जीरो, आई का वैल्यू टू। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन बनेगा जीरो लेस देन इक्वल टू है क्या, ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कर रहे हैं, str j को प्रिंट कर रहे हैं। तो j का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो str 0 पे कौन सा हमारा कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में देखो str 0 पे r है। तो अभी ये क्या प्रिंट होगा, ये r प्रिंट होगा। तो चलो प्रिंट करते हैं यहाँ पे, ये r यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद j का वैल्यू बढ़ा, ये हो गया 1। तो अभी कंडीशन क्या होगा हमारा j लेस देन इक्वल आई में, सिंपल सा कंडीशन है j का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 2। तो यहाँ पे कंडीशन होगा हमारा क्या, 1 लेस देन इक्वल 2 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है फिर क्या होगा, str j को हम प्रिंट किए हैं तो j का वैल्यू 1 है। तो str 1 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, आप यहाँ पे देखो s 1 पोजीशन पे हमारा ये a है। तो अभी str j को हम प्रिंट कर रहे हैं, यानी str 1 पे ये a कैरेक्टर है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, a प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद j का वैल्यू बढ़ेगा, ये हो जाएगा 2। कंडीशन है j लेस देन इक्वल i, अभी j का वैल्यू भी 2 है, i का वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पे हम फाइनल कंडीशन क्या बोल सकते हैं, क्या 2 लेस देन इक्वल 2 है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो str j को हम प्रिंट किए हैं तो j का वैल्यू 2 है। तो str 2 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो आप देखो हमारे स्ट्रिंग में str 2 पे हमारा ये m नाम का कैरेक्टर है। तो अभी क्या प्रिंट होगा, m कैरेक्टर प्रिंट होगा अभी str 2 पोजीशन का, यही कैरेक्टर है। तो चलो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट होने के बाद क्या हुआ हमारा, j का वैल्यू बढ़ गया, ये हो गया 3। अभी हमारा कंडीशन क्या होगा, j लेस देन इक्वल i में j का वैल्यू 3 है, i का वैल्यू 2 है। तो हम फाइनल कंडीशन यहाँ पे क्या दे सकते हैं, क्या हमारा 3 लेस देन इक्वल 2 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि j के जगह पे हमने 3 लिखा j का वैल्यू, i के जगह पे हमने i का वैल्यू 2 लिखा, तो 3 लेस देन इक्वल 2 कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अभी ये हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इनर वाला सिलेशन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, आई वाले लूप का स्टेटमेंट। तो कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है, अभी चलो आउटर लूप में चलते हैं। आई वाले में आई का वैल्यू बढ़ा, ये हो गया 3। कंडीशन है आई लेस देन एल, आई का वैल्यू भी 3 है, एल का वैल्यू भी 3 है। तो हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं क्या 3 लेस देन 3 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों का वैल्यू 3-3 था। तो जैसे ही आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ, ये पूरा लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा आउटर लूप। जब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो इसी के अंदर ये वाला लूप है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अभी हमारा ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम देखो हमने जो स्ट्रिंग डाला था यहाँ पे राम, ये राम हमारा देखो ट्रायंगल शेप में यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम के लिए प्रिंट हो चुका है। 3 रो 3 कॉलम के लिए प्रिंट इसलिए हुआ है क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ हमारा 3 था। तो ये वाला लूप हमारा 3 तक चला, ये वाला लूप भी हमारा 3 तक चला। तो आई का वैल्यू 1, 2, 3 रो के लिए, जे का वैल्यू 1, 2, 3 कॉलम के लिए। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रिंग पैटर्न प्रिंट हो रहा है। आप क्या करिएगा, कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे ले लीजिएगा, यहाँ ऊपर में देखो अपना नेम यहाँ पे ले लेना, आपका नाम जो भी है रोहन सोहन मोहन यहाँ पे लेना, फिर उसको प्रिंट करना और इसी तरह से ड्राई रन करना, तब आप समझ जाओगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।